समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। राहुल की यात्रा को यूपी में आए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों पार्टियों के बीच समझौता नहीं हो पाया है। यूपी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है और कुछ ही दिनों में यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगी। उससे पहले पार्टी को यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के समझौते का फॉर्मूला तय होना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कल से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की फोन पर बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी ने 14 से बढ़ाकर सीटें 17 कर दी है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से बाराबंकी, अमरोहा और सहारनपुर सीट मांगी, जिसे एसपी ने मान भी लिया। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के लिए तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सब ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग आने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे दांव पेच पर कटाक्ष किया। यूपी में भी अखिलेश यादव का साथ झगड़ा हो गया, तो जहाँ ज्यादा जहाँ जहाँ ये न्याय यात्रा जाएगा वहाँ वहाँ कांग्रेस के लिए अन्याय होते रहेगा।